तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इंडिया में मिलने वाली 10 ऐसी कार्स की बात करेंगे जो कि सबसे ज्यादा माइलेज देती हैं। इस वीडियो में हमने 10 ऐसी कार्स की लिस्ट तैयार की है जो कि कम कीमत में मिल जाती हैं और कम से कम 22 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती हैं। लेकिन दोस्तों कुछ भी शुरू करने से पहले बता दूं कि ये माइलेज कंपनी क्लेम करती है, प्रैक्टिकल माइलेज थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जान लेते हैं कि इंडिया में 10 ऐसी वो कौन सी गाड़ियां हैं जो कि सबसे ज्यादा माइलेज देती हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे एक लाइक जरूर करिएगा। लिस्ट में 10th पोजीशन पर है रेनॉल्ट क्विड। दोस्तों रेनॉल्ट क्विड इंडिया में कम कीमत में मिलने वाली एक काफी अच्छी एंट्री लेवल 5 सीटर हैचबैक कार है। इस कार में कंपनी मेनली दो इंजन ऑप्शन ऑफर करती है। पहला इंजन ऑप्शन 799 सीसी का पेट्रोल इंजन का है जो कि 54 पास्कल की पावर और 72 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। और वहीं दोस्तों इस कार में 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन भी मिलता है जो कि 72 पास्कल की पावर और 91 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। दोस्तों इन दोनों ही इंजन के साथ रेनॉल्ट क्विड का माइलेज करीब 21 से 22 किलोमीटर पर लीटर के आसपास क्लेम किए गए हैं। और इंडिया में रेनॉल्ट क्विड में आपको कम कीमत में काफी अच्छा वैल्यू फॉर मनी पैकेज भी मिल जाता है। इंडिया में इस कार की शुरुआती शुरू कीमत करीब 2,92,000 रुपए के आसपास से शुरू होकर 5,00,000 रुपए के आसपास तक जाती है और इस प्राइस पॉइंट में रेनॉल्ट क्विड एक काफी अच्छी कार है। तो दोस्तों चलिए अब लिस्ट में अगली गाड़ी की बात करते हैं। तो 9th पोजीशन पर है हुंडई वेन्यू का डीजल वेरिएंट। दोस्तों हुंडई वेन्यू एक 5-सीटर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है और इंडिया में ये कार काफी पॉपुलर और फेमस भी है। इस कार से कंपनी ने अभी रिसेंटली 1.4 लीटर के डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू करके इस कार में 1.5 लीटर का डीजल इंजन ऑफर किया है जो कि 100 पास्कल की पावर और 240 न्यूटन मीटर का शानदार पीक टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन दोस्तों आपको 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन में ही मिलता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन हुंडई वेन्यू के डीजल वेरिएंट में नहीं मिलता है। बात करें माइलेज की तो दोस्तों हुंडई वेन्यू का डीजल वेरिएंट काफी अच्छा माइलेज देता है। इस कार के डीजल वेरिएंट में करीब 23 किलोमीटर पर लीटर के आसपास का माइलेज क्लेम किया गया है। इंडिया में हुंडई वेन्यू की एक्सशोरूम कीमत करीब 8,10,000 रुपए के आसपास से शुरू होकर 11,40,000 रुपए के आसपास तक जाती है। हमारे लिस्ट में 8th पोजीशन पर है फोर्ड फ्रीस्टाइल डीजल। दोस्तों ये भी एक 5-सीटर क्रॉसओवर एसयूवी कार है और इस कार में कंपनी डीजल इंजन ऑप्शन में 1.5 लीटर का डीजल इंजन ऑफर करती है जो कि 100 पास्कल की मैक्सिमम पावर और 220 न्यूटन मीटर का शानदार टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन में ही मिलता है और इस इंजन के साथ कार का माइलेज करीब 23.8 किलोमीटर पर लीटर के आसपास क्लेम किए गए हैं। बात करें कीमत की तो इंडिया में फोर्ड फ्रीस्टाइल के डीजल वेरिएंट की शुरुआती शोरूम कीमत करीब 7,34,000 रुपए के आसपास से शुरू होकर 8,20,000 रुपए के आसपास तक जाती है और इस कार में भी आपको शानदार डिजाइन एंड लुक के साथ साथ अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। दोस्तों लिस्ट में 7th पोजीशन पर है मारुति सुजुकी बोलेनो। दोस्तों मारुति सुजुकी बोलेनो इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग 5-सीटर प्रीमियम हैचबैक कार है और इस कार में कंपनी 1.2 लीटर का डुअल जेट VVT इंजन ऑफर करती है। यही इंजन दोस्तों आपको मारुति सुजुकी डिवायर में भी मिलता है, लेकिन मारुति सुजुकी बोलेनो में कंपनी 12 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी ऑफर करती है। ये इंजन 90 पास्कल की शानदार पावर और 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है और इस इंजन के साथ आपको 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलता है। दोस्तों इसी कार में दूसरा इंजन ऑप्शन भी मिलता है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का जो कि विदाउट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ आता है। ये इंजन 84 पास्कल की पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। बात करें माइलेज की तो दोस्तों इस कार का माइलेज करीब 21 से 23 किलोमीटर पर लीटर के आसपास क्लेम किए गए हैं और इस कार की इंडिया में शुरुआती शोरूम कीमत करीब 5,00,000 रुपए के आसपास से शुरू होकर 9,00,000 रुपए के आसपास तक जाती है। दोस्तों लिस्ट में 6th पोजीशन पर है मारुति सुजुकी डिवायर। मारुति सुजुकी डिवायर भी इंडिया की सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली 5-सीटर प्रीमियम सेडान कार है और इस कार में भी कंपनी 1.2 लीटर का डुअल जेट VVT इंजन ऑफर करती है और 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी ऑफर करती है। यही दोनों इंजन दोस्तों आपको मारुति सुजुकी बोलेनो में भी मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों दोनों गाड़ियों का वेट अलग अलग है तो इस कार का माइलेज करीब 23 किलोमीटर पर लीटर के आसपास क्लेम किए गए हैं। लिस्ट में दोस्तों 5th पोजीशन पर है फोर्ड फिगो। फोर्ड फिगो एक 5-सीटर हैचबैक कार है और दोस्तों इस कार में कंपनी 1.5 लीटर का डीजल इंजन ऑफर करती है जो कि 100 पास्कल की शानदार पावर और 220 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन दोस्तों सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन में ही मिलता है। दोस्तों फोर्ड फिगो इंडिया में कम कीमत में एक काफी अच्छी हैचबैक कार है और इस कार में कंपनी एक पावरफुल डीजल इंजन ऑफर करती है जो कि सेगमेंट की बाकी किसी गाड़ी में नहीं मिलता है। बात करें इसकी कीमत की तो इंडिया में फोर्ड फिगो की शुरुआती शुरू कीमत करीब 6,86,000 रुपए के आसपास से शुरू होकर करीब 8,00,000 रुपए के आसपास तक जाती है। दोस्तों लिस्ट में 4th पोजीशन पर है होंडा अमेज। दोस्तों इस वीडियो में हम होंडा अमेज के डीजल वेरिएंट की बात करेंगे। होंडा अमेज दोस्तों एक काफी अच्छी 5-सीटर सेडान कार है और इस कार में कंपनी 1.5 लीटर का डीजल इंजन ऑफर करती है। ये इंजन 100 पास्कल की पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है।
और इंडिया में होंडा अमेज 5 स्पीड मैनुअल और सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन में मिलती है। बात करें इसके माइलेज की तो होंडा अमेज के डीजल वेरिएंट का माइलेज करीब 24.7 किलोमीटर पर लीटर के आसपास क्लेम किए गए हैं और इस कार की शुरुआती शोरूम कीमत करीब 7,34,000 रुपए के आसपास से शुरू होकर 8,19,000 रुपए के आसपास तक जाती है। लिस्ट में थर्ड पोजीशन पर है हुंडई ग्रैंड आई10 नियोस। हुंडई ग्रैंड आई10 नियोस दोस्तों एक 5 सीटर प्रीमियम हैचबैक कार है और इंडिया में ये कार मारुति सुजुकी बलेनो के साथ कम्पीट करती है। इस कार में कंपनी 1.2 लीटर का डीजल इंजन ऑफर करती है जो कि 75 bhp की शानदार पावर और 190 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन दोस्तों 5 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन में आपको मिल जाता है और हुंडई ग्रैंड आई10 नियोस 1.2 लीटर के डीजल इंजन ऑप्शन में गिनी चुनी हैचबैक कार में से एक है। बात करें हुंडई ग्रैंड आई10 नियोस के माइलेज की तो इस कार का माइलेज करीब 25 से 26 किलोमीटर पर लीटर के आसपास क्लेम किया गया है और इस कार की शुरुआती शुरू कीमत करीब 6,75,000 रुपए के आसपास से शुरू होकर करीब करीब 8,00,000 रुपए तक जाती है। तो दोस्तों बात करें सेकंड पोजीशन पर आने वाली गाड़ी की तो दोस्तों सेकंड पोजीशन पर है टाटा अल्ट्रोज। इस वीडियो में हम टाटा अल्ट्रोज के डीजल वेरिएंट की बात करने वाले हैं। टाटा अल्ट्रोज में कंपनी 1.5 लीटर का डीजल इंजन ऑफर करती है जो कि 90 पास्कल की पावर और 200 न्यूटन मीटर का शानदार टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन में ही मिलता है और इस इंजन के साथ टाटा अल्ट्रोज का माइलेज करीब 25 से 27 किलोमीटर पर लीटर के आसपास क्लेम किए गए हैं। दोस्तों टाटा अल्ट्रोज भी इंडिया में प्रीमियम हैचबैक कार सेगमेंट में एक काफी अच्छी कार है और ये कार सेफ्टी रेटिंग के मामले में भी काफी अच्छी है और इस कार के इंटीरियर में फीचर का भी अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है और साथ ही साथ इस कार का लुक भी काफी अच्छा है। इंडिया में टाटा अल्ट्रोज के डीजल वेरिएंट की शुरुआती शोरूम कीमत करीब करीब 7,00,000 रुपए के आसपास से शुरू होकर 9,34,000 रुपए के आसपास तक जाती है। तो दोस्तों हमने फर्स्ट पोजीशन पर रखा है हुंडई ऑरा के डीजल वेरिएंट को। दोस्तों हुंडई ऑरा इंडिया में रिसेंटली लॉन्च हुई है और ये एक 5 सीटर प्रीमियम सेडान कार है। कंपनी ने अपनी पुरानी कार हुंडई एसेंट को रिप्लेस करके हुंडई ऑरा को लॉन्च किया है और इस कार में भी आपको शानदार डिजाइन एंड लुक के साथ साथ इंटीरियर में प्रीमियम फीचर्स का पैकेज और काफी अच्छा इंजन भी मिल जाता है। हुंडई ऑरा में कंपनी 1.2 लीटर का डीजल इंजन ऑफर करती है जो कि हुंडई ग्रैंड आई10 नियोस में भी मिलता है। ये इंजन 75 bhp की पावर और 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन दोस्तों 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों ऑप्शन में मिल जाता है। बात करें माइलेज की तो इंडिया में हुंडई ऑरा के डीजल वेरिएंट का माइलेज करीब 25 से 27 किलोमीटर पर लीटर के आसपास क्लेम किए गए हैं और इस कार की इंडिया में शुरुआती शोरूम कीमत करीब 7,74,000 रुपए के आसपास से शुरू होकर 9,40,000 रुपए के आसपास तक जाती है। यहाँ पर दोस्तों हुंडई ऑरा हुंडई ग्रैंड आई10 नियोस से ज्यादा माइलेज देती है क्योंकि इस कार का वेट हुंडई ग्रैंड आई10 नियोस से थोड़ा कम है। तो दोस्तों ये थे वो इंडिया की वो 10 कार जो कि 10,00,000 रुपए से कम कीमत में मिलती हैं और सबसे ज्यादा माइलेज देती हैं। वैसे दोस्तों आपकी फेवरेट कार कौन सी है कमेंट करके बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे।